Chai is ready. आज मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी बात बात करने का, बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो लेट्स जस्ट गो। एक्साइटेड टू मीट माई फ्रेंड्स, मुझे बहुत याद भी आ रही थी उनकी, और दे आर द ओनली रीज़न कि थोड़ा मेरा दिल भी करता है कि चलो ठीक है यार ये लोग हैं। बहुत लेट हो गया, मैं दोस्त से मेरे मैसेज करी पर वह कहाँ रहेगी, मैंने कहा आ रही हूँ आ रही हूँ। जो होता है रुको ना, तो जल्दी क्या है, शुक्र तुम लोग मुझे यहीं मिल गए, इनका है कोई होगा ही नहीं, पकड़ना जरा ना। तुम बोल मन के व्यूज आ जाते हैं। थैंक्स। ओके गाइस, अब हम अपनी बाकी लड़कियों के साथ मिलने जा रहे हैं, और मैंने बोल दिया पता नहीं कौन पिज्जा पिज्जा मेरी मार डालेगी। सी आर इन द ड्यूटी वो शर्म आ रही, ब्लॉग ही नहीं हो रहा, ईद वैसा लग रहा है। ईद हम लोग दोबारा मिलो, मैंने कहा हेलो गाइस, हेलो, तुम भी इंट्रोडक्शन दो पिज्जा दोबारा, मेरे व्यूअर्स से तुम्हें बहुत मिस किया, दोबारा बोल रक्षंदा मानो क्लास। अरे आपको तो बहुत लोगों ने मिस किया था, मैंने आपको बिल्कुल भी याद नहीं किया। तहरीम कहाँ चली गई? तहरीम तुम आज मेरी दोस्त हो आज के दिन के लिए। हमें अभी बिल्कुली ब्रेक मिला था, फिर मेरी लड़कियाँ थी तो हैं पागल, फौरन भाग दी मैम के पीछे पीछे रजिस्टर के लिए, और तहरीम और मैं हैं इंटेलिजेंट बी लाइक फरवा एंड तहरीम, हम दोनों जिन्हें कुछ समझ नहीं आया पहले लेकिन ना हम लोग बहुत मतलब वो है कि हम नहीं गए रजिस्टर, हमें पता है अटेंडेंस लग जाएगी, ये लोग हैं पागल, ये लोग देखेंगे हमारा ये ब्लॉग पहले देखे पीछे बैठी हुई है, और ना हमें छोड़ दिया ऐसे ही, तो अभी मैं आपको अपना आउटफिट दिखा दी यार, वो वाले बेस्ट फ्रेंड है। गाइस पीछे से ना ये लोग जल रही हैं बहुत ज्यादा, बेस्ट चीज कर रही है, देखो तहरीम इनको और चलाओ, इसी इन्हीं के लिए ये रखा है, तहरीम इसको और चलाओ, और तहरीम ने इतनी अच्छी तारीफ, तहरीम से गलती हो गई है, अच्छा कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा, और तहरीम ने इतनी अच्छी तारीफ की है, डिटेल में बताया, डिटेल में उसको पता है मतलब कैसे पसंद है, अल्लाह मैं बना लेंगे ना, ठीक है। जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके खत्म हो गया, वहीं पे आके खत्म। यहाँ पे तेरे ब्राउन रंग तो सबसे ज्यादा मुझे इसी में मजा आएगा। गाड़ी गाड़ी बाय द वे गाइस, हम लोग काफी टाइम के बाद मिले हैं, लॉन्गिंग होती है ना जब आप घर पे होते हो तो आपको याद आती है, वो मेरी यहाँ पे ना आधे घंटे के अंदर पूरी हो गई और अब मेरी बस हो गई है इनसे, और मुझे वापस घर जाना है, समझ आ रहा है, मतलब समझ आ रही है क्या बात कर रही है, कोशिश करनी है आज ही अपना की तारीफ होने वाली है। आई नो यार वो पर अबे तू कर ना गाइस, अभी हमारे भी जूनियर्स की रैगिंग हो रही है, अब करने जा रहे हैं, फ्री हो चुके हैं और पूरा इतना हेक्टिक दिन था, थक गए, लास्ट में क्लास में तो आंख खोल के बैठे हुए क्लास में, तो गाड़ी के ब्लॉग्स आर बैक, और छुट्टी हो चुकी है, हालत भी खराब हो चुकी है, एज यू गाइस कैन सी हमारी शक्ल,
वो सो टायरिंग, इतना थक गए हम लोग, इतना थक गए. और मतलब एकदम ना इतना मुश्किल पढ़ाई है इस बार की, इतनी मुश्किल है कि अभी तो सिर्फ हलवा था, एकदम सर पे आके सवार हुई है. तो आज जूनियर्स आए थे हमारे, आज तो उनकी रैगिंग हुई, बड़ा मजा आया. मतलब ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की फन किया हमने, थोड़ा एंजॉय किया. और नाइस, अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं. और मुझे तो दो तीन चीज़ें और भी करनी है घर पहुँच के. तो लेट्स सी. ओ व्हाट अ लाइट, मेरी सीन तुम्हें. आई रीच्ड होम और मैं वापसी में ये सब चीज़ें लेकर आई अपने लिए, सब्जी, फ्रूट और रोटी अपने खाने के लिए. और मैं तो थक गई हूँ अभी, जो ऐसा लग रहा है बस टर्न होकर सो जाऊँ, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं है अभी. तो बस जल्दी से मैं अब आराम करूँगी. और आज मैंने अपने रूम की सफाई का बोला था, सफाई होनी थी हमारे हॉस्टल में, तो आज सफाई का बोला था, तो मेरे रूम की सफाई अच्छी खासी आज हो गई है थैंकफुली. तो थोड़ा साफ लग रहा है कमरा, वरना कल तो जब मैं आई थी ना तो पता नहीं क्या ही हशर था मेरे रूम का. तो थोड़ा बेहतर लग रहा है आज. हील वाला सैंडल पहन के चली गई थी आज, मेरे पाँव की हालत बैंड बज गई है. हाय 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 हाय, इतना साफ सुथरा लग रहा है, वहीं फिर लड़कियां आ जाएंगी, फिर मिट्टी गंदा हो जाएगा घर सारा. और मैं अपना आउटफिट तो देखा, मैंने आज क्या पहना था, मतलब देख ही लिया होगा. आज मैंने यार कराची में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, मुझे लगा यहाँ पे सर्दी होगी है नॉल, तो सर्दी वर्दी तो था खास मुझे फील नहीं हुआ. बट यूनिवर्सिटी में भी, क्लास में भी था, फील नहीं हुआ, तो सही था. आज मैं स्वेटर वेटर नहीं पहन के गई, और मैं इतने बड़े बड़े स्वेटर लेकर आ गई हूँ, तो नॉर्मल था. और एक और चीज़ ये कि आज नादिया वापस अपने घर से आ रही है, नादिया अपने घर गई हुई है, तो आज आ रही है वो भी, तो ये भी एक गुड न्यूज़ है. मिलती हूँ थोड़ा फ्रेश व्रेश होके फिर, तब तक के लिए वेट करें. आज मैं गई नीचे, आज हमारे मोहल्ले में चीज़ें वीज़ें लेने अभी शाम में लड़की के साथ, एक मेरी हाउसमेट के साथ, और मैंने वहाँ से लिए फ्राइज़. ये जो फ्राइज़ है ना, मैंने पूरा हैदराबाद देख लिया, पूरा टंडो देख लिया, ऐसे फ्राइज़ ना मुझे नहीं मिले. मैं इतना याद करी थी इन फ्राइज़ को, इतना मैं याद करी थी. आई मीन जो फ्राइज़ वाले भी वो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं हमारे क्लाइंट कहाँ चले गए, हम लोग इतना लेते हैं यहाँ से, हमारा पूरा हॉस्टल लेता है यहाँ के फ्राइज. जो ये वो थी अरे Finally, after 3 months. Yes, 3 months. I missed you. Yeah, almost 3 months की, 3 महीने की गई हुई हूँ मैं. और आप मेरे 1.5 महीने के बाद गई हैं. Nadia is back. अब आएगा मजा. True that. कैसे लेके जाऊंगी इसको? मैं तो नहीं लेके जाऊंगी, यहीं पड़ा होगा. कोई आएगा उस दिन क्लीनर, उसी से उठाऊंगी. क्लीनर मंडे को आएगा. फिर लेके जाऊंगी कल, अभी तो बहुत थकी हुई. क्या मैंने? ओहो मैडम, हेलो. तुम भी बोल दो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय घर पर बाज. अपना सबसे मैं इंट्रोडक्शन करवाया मैं सबको, यूर वेलकम बैक टू फरवाज ब्लॉग, क्योंकि ना वो सब ब्लॉग मिस कर रहे होंगे ना मेरे फ्रेंड्स को भी. आओ मैं एक न्यू लड़की से मिलवाऊं तुम्हें. कौन सी न्यू लड़की? आओ जाओ, एक सेकंड इसको रख दो, चलो करते हैं. आ जाओ, मीट मोना. मीट नादिया. अस्सलाम वालेकुम. कैसी आप? ठीक. ये है नादिया, कल से मैंने इतनी बातें की आपकी, इतनी बातें की. गाइस नादिया इज बैक एंड नादिया सेड कि मैं थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ. फिर नादिया ने मुझे बोला कि थोड़ा तुम हेल्दी हो गई हो. मैं तुझे बोल रहे सब मेरे दोस्तों ने बोला था तुम चेहरा भरा हुआ है. ये तो अभी खैर वो मतलब 3 टाइम फ्रेश खाना खाया तो अभी भी नहीं लगेगा क्या? मेरा बे बच्चा मामा मुझे कहते थे तो मैं शक्ल तो वैसी की वैसी है. वो तो पिछली बार 3 महीने ले गया ना, तो वो डिफरेंस फील होगा. नहीं फील होगा. और ना ऊपर से अभी तो मेरा और था, मैं एंड में बीमार पड़ गई, बुखार हो गया मुझे सफर करके ना, तो उससे ज्यादा मुझे हुआ, वरना तो फिर मैं अभी सब एक साथ वेलकम 1 2 3 स्टार्ट वेलकम बैक टू परवाज YouTube चैनल. कल वाला ब्लॉग मैंने वही खत्म कर दिया था, क्योंकि कल कुछ ऐसा था
कहानी कल बहुत हैप्टिक दिन था, इसलिए हमने ब्लॉग भी कल बहुत हैप्टिक दिन था और आज का है फ्राइडे। आज फ्राइडे है, यहाँ से हमारी एक क्लास थी, हम 11 बजे फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, जो हमारी होती है परंपरा खाने पीने की, अगर तुमने नहीं कुछ खाया रिचुअल, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर। अभी हम देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, अभी जहाँ हरीश दे जाएंगी हमें हम वहाँ चले जाएंगे। तो लड़कियाँ आगे आगे जा रही हैं हमें छोड़कर, तहरीम हमें उन्होंने हम कल भी अकेले रह गए थे। फिर आज सुनो, हम ना तुमने मैंने और तहरीम ने आज ट्रेनिंग की हुई है, हमने आज ट्रेनिंग की हुई है, वाओ जी नहीं आप लोगों ने नहीं किया, मैंने नकल नहीं करे आप। न्यूज न्यूज चल चल फिज़ा का ऑर्डर आ चुका है, हमारा भी आ चुका है, हमारा बर्गर। मैम मुझे फरवा को साथ बैठना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। मैं ब्लॉग को मैंने अपना आउट्रो नहीं किया है, तो अगर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा अब टारगेट सिर्फ सब्सक्राइबर्स का है, तो प्लीज टू सब्सक्राइब एंड डू वॉच माय वीडियोस। टाटा, लव यू।